Assalamualaikum. So again, I'm back with a new vlog. मेरे पिछले बहुत सारे vlogs में बहुत सारे cities और बहुत सारे सूबे मैंने आप सबको दिखाए हैं. तो एक सूबा रह गया था और एक सिटी जो सबसे बड़ा अच्छा मजे का सिटी है, जहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जो मैंने भी आज तक नहीं देखी, एंड दैट इज कराची. तो निकले हैं जी कराची को एक्सप्लोर करने. और आप सब ने मुझे कमेंट्स में भी कहा था कि भाई अब एक नया सिटी हमने देखना है बाकी सिटीज के बाद, तो अब बारी आती है कराची की. और कराची को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं. कराची में इतनी सारी जगह हैं जो एक ब्लॉग में कवर नहीं हो सकती हैं. तो अभी मैंने जो जगह डिसाइड किया है, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस, बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग जगह है. तो चलते हैं वहां पे, पहुंचते हैं और अच्छा सा ब्लॉग आप सबको भी दिखाते हैं. तो अभी हम जा रहे हैं जी शारे फैसल पे, और जरा साइड पे आप ये खम्भों पे देखें, ये देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कराची में आए हुए हैं. पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं. कराची भी लोग बोलते हैं इसको और कराची भी कहते हैं. खैर अब यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो इधर की लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख ही लेंगे. तो काफ़ी रशी रोड है, ट्रैफिक भी है और डिस्टेंसेस यहाँ पे काफ़ी लंबे हैं. बट ये कि नई जगह है तो नई जगह को देखने का मजा भी आ रहा है. और ब्लॉग शुरू होने से पहले एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी यार आपसे. मैंने अपना एक बंदा हायर किया हुआ है जो मेरी हर वीडियो में आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूर कहता है. तो उस बंदे की एंट्री का टाइम हो गया है. चले जी, इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करना. तुम्हें सब्सक्राइब भी तो करना है चैनल को. हाँ, सब्सक्राइब. यार ये एक कंफ्यूजन तो मेरी क्लियर करें ना. ये देखिए इस बाइक आपको नजर आ रही है, लोगों ने यहाँ बाहर टी शर्ट पहनी हुई है लेकिन बाइक्स पे कपड़ा चढ़ा हुआ है. पता नहीं बाइक्स को और हर तरह की बाइक को यहाँ पे लगता है सर्दी लगती है. भाई जो कराची के व्यूअर्स हैं ना, जरा ये मेरी कंफ्यूजन मुझे क्लियर करके बताएं कि यहाँ पे बाइक्स के ऊपर कपड़ा क्यों चढ़ा हुआ है. जी अब हम आ गए हैं डोलमन मॉल, और डोलमन मॉल के अंदर एंटर होने से पहले ये देखें इतनी लंबी लाइन. यार क्या इतनी लंबी लाइन का मैं हमें वेट करना पड़ा है ट्रैफिक के ऊपर से. शायद संडे है तो इस वजह से ज्यादा रश है. बस आई कैंट वेट टू गो इनसाइड. चलते हैं बस अभी जल्दी जल्दी. मुझे पता है मेरे साथ आप भी, आप लोग भी इंतजार करेंगे कब हम एंटर हो. उठते हो आप? आयरा आप उठ गई है? आपको भूख लग रही है? किसको भूख लग रही है? सर आगे आगे बताए. ये जो बच्चे हैं एंटर होने से पहले इनका जो पेट है ना वो कल बुलाने लग जाता है. आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे ना, कहीं भी जाने से पहले भूख लग गई. एंटर हो गए हैं, बड़ी मुश्किल जगह मिलने के बाद. अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अंदर क्या कुछ है. बहुत चलना पड़ रहा है भाई, अभी से थक गई हूँ मैं तो. चलो बच्चों चलो अंदर एंटर होते हैं. तब मैं डॉलमन मॉल के अंदर एंटर हो गई हूँ. मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितनी प्यारी डेकोरेशन है. ये सारी इन्होंने 14 फरवरी की डेकोरेशन की हुई है. बड़े मज़े की एक बात मुझे पता चली है कि बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे लाहौर में नहीं है जो मैंने यहाँ पे देखे. दिखाती हूँ आपको भी. पूरे मॉल में जगह जगह वैलेंटाइंस डे की बड़ी अच्छी डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी. हम तो वैलेंटाइंस डे नहीं बनाते लेकिन लोगों के लिए बहुत सारी ऑफर्स थी, ब्रांड्स पे बहुत सारे ऑफ लगे हुए थे. तो लोग तो यहाँ पे बड़ी धड़ाधड़ किस्म की जो थी ना वो शॉपिंग कर रहे थे. बड़ा अच्छा एक प्यारा सा स्टॉल मुझे नज़र आया जहाँ हैंडीक्राफ्ट शॉप थी, स्टोन ज्वेलरी और ब्लू पॉटरी की चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हुई थी. क्या कर रही हो? भूख लग गई है शदीद किस्म की, और खाने को यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि डाइनिंग बंद है. ये सही ज्यादती है हमारे साथ. तो फाइनली खाने की जगह मिल गई है, और एक अजीब सी जगह है कि मॉल के अंदर खाने की जगह नहीं है, मॉल के बाहर है. ये देखिए दिखाती हूँ मैं. तो यहाँ पर हम खाने का बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे थे क्योंकि खाना सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट से आना था और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मॉल के बाहर बैठे हुए थे.
तो बस जल्दी से हम कह रहे थे खाना आ जाए, बच्चे भी बड़े शदीद इंतज़ार में थे कि किसी तरह खाना जल्दी से हमें खाने को मिल जाए। यार मेरा खाना आ गया है और ये देखें बीच में एक अदर मक्खी भी मेरे खाने पे आ गई है, आई मीन इनवाइटेड, तो बस अब मैं जल्दी से खाना स्टार्ट करने लगी हूँ भाई, बहुत बातें नहीं हो रही मेरे से, बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वी आर फाइनली डन विद द डॉल्फिन मॉल एंड खाबा, अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि कौन सी जगह देखने के लिए। सो कहानी ये है कि जी वापसी पर हम इतना थक गए कि कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि कराची में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत देर लग जाती है। तो यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हुआ और हम बहुत थक गए थे इसलिए हिम्मत ही नहीं पड़ी, बिकॉज़ डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी देर लग जाती है। तो कराची में तो अब आपको एक एक करके सारे व्लॉग्स में मैं अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगी, तो आज का जो व्लॉग था वो डॉल्फिन मॉल के बारे में था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।